दोस्तों कंटेंट अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें इसके लिए बेल आइकन दबाने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक कर देना। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्निकल सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। A53 अभी लॉन्च हुआ, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है एंड उतना ज्यादा खुशी नहीं हुई थी लॉन्च होने पे, क्योंकि A52S उससे कहीं ज्यादा बेटर है अपने प्राइस पे, सारी चीजों पे अगर आप देखते हो। चार्जर भी बॉक्स से गायब कर दिया था एंड बहुत सारी चीजें। अच्छा, ऐसा होता है कि जब कोई स्मार्टफोन लॉन्च होता है और लोग उससे खुश ना हो तो उसके सक्सेसर के बारे में पूछने लगते हैं कब लॉन्च होगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे A54 कब आएगा। अब क्या हो गया है कि लेट्स गो डिजिटल ने इसके CAD रेंडर्स जो थे, CAD रेंडर्स जो होते हैं, इमेज जो होते हैं, वो लीक कर दिए, मतलब रिवील कर दिए हैं। चलिए, एंड कुछ स्पेसिफिकेशन के लीक्स आए हुए हैं एंड कुछ चीजें सबको पता है कि यही होने वाली है। उन सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, क्या स्पेसिफिकेशन हो सकते हैं, किस प्राइस तक आ सकता है और कब तक आएगा। पहले बता दूं कब तक आएगा, अभी कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन इसका लॉन्च अगर आप A52S को देखते हो एंड बाकी सारे स्मार्टफोन को देखते हो तो इसका लॉन्च पॉसिबली आपको नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, इन चार महीनों में होना चाहिए 2022 और 2023 के, मतलब जो नवंबर आएगा तब से लेके फरवरी के बीच में पॉसिबली इसका लॉन्च होना चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं कब तक लेकर आते हैं। सारे अगर देखते हो डेट वेट तो उसी के हिसाब से इसी टाइम आना चाहिए। अब आता है क्या चीजें हैं, ये फोटोज आते रहेंगे साइड में, देखते रहना क्या चीजें होने वाली हैं। इसमें भी आपको 6.7 इंच का सुपर एमोलेड का 120 हर्ट्ज का ही डिस्प्ले मिलने वाला है। पंच होल के साथ आएगा, गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन रहेगा, रियर साइड पे क्वाड कैमरा रहेगा, सैमसंग की ब्रांडिंग रहेगी, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर रहेगा, लेकिन इस बार आपको डिस्प्ले जो रहेगा थोड़ा सा कर्व्ड देखने को मिल सकता है। रियर साइड पे पॉलीकार्बोनेट रहेगा, वहां पे चेंज नहीं होगा, लेकिन डिस्प्ले थोड़ा सा कर्व्ड देखने को मिल सकता है। चलिए अच्छी, ये चिपसेट की बात करें तो इस बार कहा जा रहा है कि आपको डायमेंसिटी का 5G चिपसेट देखने को मिलेगा, नहीं 900 या 920 नहीं। लीक्स और रूमर्स की माने तो इसमें पॉसिबली आपको डायमेंसिटी का 1300 वाला जो चिपसेट है ना वो देखने को मिल सकता है। उस टाइम तक बहुत सारे स्मार्टफोन में आने लगेगा एंड वो चिपसेट जो है डायमेंसिटी 1200 वाला ही है, वैसा ही है, ज्यादा कुछ थोड़े मोड़े चेंजेस के साथ है। वही मान लीजिए 77 का GPU है, गेमिंग ग्राफिक्स भी अच्छी खासी कर लोगे, एंड्रॉइड 12 के ही ऊपर आएगा जो कि UI 4.0 के साथ आएगा, देन उसके बाद उसमें आपको चार अपडेट जो रहेंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए अच्छी चीज है। इसके बाद परफॉर्मेंस मतलब तगड़ा रहेगा। कैमरा की बात करोगे तो इसमें आपको क्वाड कैमरा इस बार 108 मेगापिक्सल वाला मिलेगा OIS के साथ, 108 प्लस 12 प्लस 5 प्लस 5 वाला, एंड फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का रहेगा। रियर और फ्रंट दोनों से 4K कर पाओगे, बूके पैनोरमाइज या सारी चीजें कर लोगे, वहां पे कोई इश्यूज नहीं आएंगे। तो परफॉर्मेंस का कैमरा वाला जो है वो भी सेगमेंट, अब डिपेंड करता है कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, लेकिन कैमराज भी इस बार तगड़े होने वाले हैं। चलिए अच्छी चीज है। इसके बाद बैटरी एंड फास्ट चार्जर की बात करोगे तो आपको वही 4500 की बैटरी रहेगी, पॉसिबली 4500 की, एंड 25 वाट के चार्जर का सपोर्ट रहेगा। पॉसिबली अगली बार भी आपको चार्जर बॉक्स में देखने को नहीं मिलेगा। उस टाइम तक ये सारी चीजें काफी नॉर्मल हो चुकी रहेंगी। बहुत सारे ब्रांड्स अपने बॉक्स से चार्जर गायब करते रहेंगे तो सैमसंग के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, उसके लिए आपको अलग से चार्जर खरीदना पड़ेगा, कोई बात नहीं, मतलब ये ठीक है। चलो, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर 3.5mm जैक नहीं रहेगा, रेंडर्स में आप देख सकते हो। स्टीरियो स्पीकर्स रहेंगे, एक्सेलेरोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, कॉम्पास सब मिल जाएंगे, एंड फिंगरप्रिंट स्कैनर जो रहेगा वो अंडर डिस्प्ले का रहेगा, एंड जितने भी आपको नॉक्स की फुल फ्लेज सिक्योरिटी मिल जाएगी, उसमें कोई इश्यूज नहीं आएगा, तो अच्छी चीज है वो भी, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक्सपांडेबल स्लॉट रहेगा कहा जा रहा है, पॉसिबली हाइब्रिड आएगा देखने को मिलेगा आपको। वेरिएंट आपको वही 6GB, 8GB और 12GB रैम वाले पॉसिबली देखने को मिले, 128GB स्टोरेज के साथ। प्राइस इस बार थोड़ी सी ज्यादा होगी, 35,000 से 40,000 के पास पास जाएगी, क्योंकि आपको 108 मेगापिक्सल का OIS भी मिल रहा है कैमरा, एंड इसके साथ साथ आपको डायमेंसिटी 1300 का फ्लैगशिप, ऑलमोस्ट फ्लैगशिप चिपसेट समझ लो मिल रहा है। तो ये सारी चीजें मिल रही थी, इसलिए प्राइस भी थोड़ा ज्यादा होगा इस बार, एक्सपेक्ट करना। जैसे मैंने कहा, नवंबर से लेकर फेब के बीच में, इन्हीं चार महीने में पॉसिबली लॉन्च होगा। लेट्स सी, देखते हैं, जैसे और भी इन्फॉर्मेशन पता चलेंगे ऐसे आपको बता दूंगा। ये रूमर्स हैं, इसके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट मत करना, अभी बहुत सारे लोग पूछ रहे, तो मैंने सोचा चलो आ गया है इमेज तो बता देते हैं क्या चीजें अभी तक पता चली इसके बारे में। अगर ऐसा आता है 35,000 से 40,000 में तो आप लोग या नहीं जरूर बताना, एंड कैसा लगा वीडियो ये भी बता देना, पसंद आया कमेंट में शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक करके मुझे बता देना क्यों पसंद है। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, उन्हें भी चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। सपोर्ट कुछ खास नहीं करना है, साइड में देखो वेक्टर इमेजेस के ऊपर क्लिक करके मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो, एंड इंस्टाग्राम पे आ जाओ, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना है आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर्स मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ, तब तक के लिए दोस्तों।